लोग। और मेरे को पता नहीं क्या तुमको क्या हो गया है, मैंने डूड थिंक वॉर्स की पोस्ट लिख के भी वीडियो डाली है, ठीक है, और उसमें सिर्फ 8 व्यूज है अभी तक और 4 लाइक्स, और 2 तो मेरे घर से ही हैं। ठीक, तो मेरे को एक बात बताओ, तुमको दूसरे की गेम की वीडियो चाहिए रहती तो बोले करो ना, ऐसा मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए, मैं यही तो काम करने के लिए बैठा हूँ, बताया करो मेरे को। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं फ्रैंक प्रो शूटर, सो जल्दी से इसको स्टार्ट कर देते हैं। आप में से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसको खेला होगा शायद से, क्योंकि मैंने भी इसको बहुत खेला है, और मैंने अभी इसको वापस डाउनलोड किया, मैंने सोचा इसकी वीडियो भी बनाते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं खेलना। तो मैंने साउंड कम कर दिया क्योंकि पिछले वाली वीडियो में साउंड अच्छे से नहीं आया था, लेकिन देखो मेरे ख्याल से अपन लोगों को अभी वो जो डूड थिंक वॉर्स है उसका पार्ट लगाना चाहिए अपन को। और ये जो है ना, ये मेरी फेवरेट करेक्टर है, सही बता रहा हूँ, इतनी अच्छी करेक्टर लगती है उनको, जैक जो उड़ के जाता है ना बहुत अच्छा लगता है, जैक जो उड़ता है। ओह अबे यार गिर गया यार, कैसे मैं नूब नहीं हूँ लेकिन अब मैं गिर गया था। तो गाइस हम लोग को ना इनके ना बेस को तोड़ना रहता है, यहाँ पे जाके दो बेस होते हैं, एक यहाँ पे और एक उस साइड पे, इन दोनों बेस को तोड़ने के बाद ऊपर ये टावर पे एक बेस होता है वो खुल जाता है। तो सबसे पहले अपन लोग को ये दो बेस खोलना होता है, फिर उसके बाद ऊपर के बेस खुलते हैं। तो यहाँ पे तभी बंदे बैठे हुए हैं, लेकिन तब भी अपन जाएंगे और चले जाएंगे। भले मारूंगा लेकिन ख़त्म कर दूंगा। हो गया, चलो जल्दी से ऊपर जाना, जल्दी जान दो भाई ऊपर, मैं मर जाऊँगा, 2 PHP में हूँ। तो गाइस आप ये एक बार गेम खेल के देखना, मज़ा आ जाएगा ये गेम खेलने में। फ्रैंक प्रो शूटर नाम है इस गेम का, सही बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा खेल के ही, मज़ा आ जाएगा, इतना अच्छा गेम है ना, और मैं इसमें बहुत प्रो भी हूँ। अब प्रो बोलते साथ ही क्या करूँ, और इसकी और यहाँ पे ना सब करेक्टर की एक एक एबिलिटी होती है, जैसे एफएफ की होती है, हर किसी की एक एक एबिलिटी, वैसे इसमें भी होती है हर किसी की एक एक एबिलिटी। तो इसकी एबिलिटी ये है कि अपने आप को हील कर सकते हैं, और उसकी एबिलिटी ये थी कि वो जंप जो था ना वो उसकी एबिलिटी थी, और ये लड़की की एबिलिटी ये थी कि वो उसको यूज़ कर सकती है अपने जेट को। तो गाइस मैंने यहाँ पर दूसरा मैच भी स्टार्ट कर लिया है, वह बॉम्ब। तो गाइस मैं वापस स्विच करने वाला हूँ किसी करेक्टर पे, हम लोग इसमें स्विच कर लेते हैं। फोड़ा भाई यह हम लोग एक और मैच भी जीत चुके हैं गाइस, मेरे को पता है मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाया क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी, और मेरे से मैच स्टार्ट भी हो गया था तो मैं क्विट करता तो फिर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि ये हैंग करता है ना, इसलिए मैंने ऐसे नहीं चालू किया इसको, क्योंकि फिर बैकग्राउंड नॉइज भी आती है। रिवॉर्ड्स में जाके हम लोग क्लेम कर लेते हैं। हम लोग को एक न्यू करेक्टर मिल चुका है गाइस, जिसका नाम है मैका नाइट, ठीक है। तो ये इसमें ना क्रेट्स होते हैं जिसको आपको ओपन करना रहता है, इसके अंदर से आपके कार्ड निकलते हैं, इनके अंदर से आपके करेक्टर्स निकल सकते हैं, कॉइन्स निकल सकते हैं, फिर डायमंड्स निकल सकते हैं, और हमारे पास ये करेक्टर था, ये इसका अपन को एक और कार्ड मिल गया है, 1x मिल गया इसका। तो डेक पे चलते हैं, इसको अपग्रेड करते हैं।
गॉड। यहाँ पे आते हैं, यूज ये दबाते हैं, इसको निकालते हैं और हमने एक नया करेक्टर चूज कर लिया है और हम लोग जल्दी से प्ले दबा देते हैं। पहले हाँ ठीक है, चलो प्ले करते हैं पहले। सो गाइस, अगर इसमें अच्छा रिस्पांस आया, अगर इसमें 20 प्लस व्यू गया, फिर 20 व्यूज आए तो मैं इसका एक और पार्ट बनाऊंगा, और अगर उसमें भी अच्छे व्यूज आए तो उसमें भी। वैसे डूड थिप वॉस की तो वीडियो आती रहेगी, क्योंकि मेरे को पता है आप सबको बहुत पसंद है, बस आप बोर हो गए थे देख देख के। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो फिर मैं नहीं डालूंगा। जैसा आप कहेंगे, वैसे मेरे को तो डूड थिप वॉस सही लगता है। भाई तो हमने उनका एक बेस तोड़ डाला है पूरा। अब मैं जल्दी से स्विच होता हूँ डैन पे, मैं जल्दी से स्विच होता हूँ गाइस डैन पे, मैं गाइस डैन पे स्विच हो चुका हूँ, तो मैं डैन पे स्विच हो गया। अब मैं इसको फोड़ता हूँ, डैन जल्दी जल्दी फोड़ते हैं गन से। हम लोग जल्दी से हील करते हैं, हमारी हील कम हो गई थी, हम लोग इसको मारते हैं वापस। देखो हील बचा के रखनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी बहुत गंदा वाला पिटाई है। इन लोग का लास्ट बेस बचा हुआ है गाइस, इसको तोड़ डालते हैं। लास्ट बेस जो बचा रहता है ना, सबसे ज़्यादा हार्ड रहता है, इसकी HP 500 रहती है। और ऊपर गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाती है, आप देख सकते हो उसको। मेरे को तो ये गेम अच्छा लगा बहुत, आप लोग भी एक बार ट्राई करना खेल के, फैक्ट्री छोटा मज़ा आ जाता है खेलने का। तो अपना बंदा आ चुका है, इसके आते हैं फोर डालते हैं। सो गाइस गेम सब वापस से विक्ट्री हो चुकी है हमारी, और हम लोग वापस से विनर हो चुके हैं। MVP भी बन चुके हैं, वो गर्ल जो है उसका नाम नहीं पता मेरे को। इसमें भाई अलग अलग टाइप के इनाम रहते हैं, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट स्टेप्स क्लेम करने को चाह रहा है, डैन मिला है तो ये अपन ऐसे करें, डैन में जाके इसको अपग्रेड कर देते हैं। लेवल 3 आ चुका है हमारा डैन। डैन इस गेम का गाइस मेन करेक्टर है, मेन करेक्टर डैन है इस गेम का। क्लेम करते हैं वापस से, 50 गोल्ड कॉइंस मिले मेरे को। मैका नाइफ का एक कार्ड मिला है, जिससे इसका लेवल अप हो जाएगा। गो, चलो हम लोग वापस एक बैटल करते हैं, जिससे मिशंस पूरे हो जाएंगे डैन के। सो गाइस इसमें जो इतने अच्छे अच्छे करेक्टर्स रहते हैं ना, मैं पहले खेलता था ना, इतने अच्छे अच्छे करेक्टर्स थे मेरे पास, लेकिन अब वो मेरी आईडी जो थी वो चली गई, तो मैं नहीं खेल सकता उसको। तो मैं जल्दी से वाले उसमें स्विच करता हूँ उस लड़की के ऊपर, क्योंकि ये बहुत सही खेल लेती है। ये उड़ती है ना, तो आधा से ज़्यादा काम वैसे ही चल जाता है। हम लोग उड़ के उस साइड भी जा सकते हैं, पहले उसको फोड़ के आ जाते हैं। मैं सब कहता हूँ पहले उसको फोड़ लेते हैं, जेट से जाते हैं पहले उसको फोड़ के आ जाते हैं। वो बहुत सही लगता है, जा सकते हैं, यस जा सकते हैं। तो हम लोग पहले इसको फोड़ देते हैं, नहीं फूटेगा। अच्छा प्रोटेक्शन गार्ड लगा हुआ है इसके ऊपर, नहीं फूट सकता, पहले अपन लोग को नीचे ही जाना पड़ेगा। हेलो तो बहुत पावरफुल करेक्टर है गाइस, मेरे को जब मैं पहली बार खेलता मेरे को मिला ये, और मेरे को बहुत सही करेक्टर लगा क्लोज के लिए, तो मैंने इसको ले लिया। डैन के चलते हेल्प करते, डैन को डैन ही मार रहा है, मारो यार डैन को, फोड़ डाल, ओए डैन को मार रहा है, डैन को मारेगा।
मेरे ख्याल से इस बार हम लोग हारने वाले हैं। जाके फोड़ रही है, एक बंदा यहाँ पे आया है, दिख गया बेटा तू मस्त कर, दिख गया तू, दिख गया, दिख गया, दिख गया बिल्कुल, थोड़ा लो इसको, दिख गया बेटा तू, दिख गया बेटा, दिख गया तू, जाके हील ले लेते हैं और जल्दी से जैक पैक लगा के ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के लिए ये तो फूट गए, दोनों साइड में फूट गए उनका, नहीं ऊपर बस बचा है। गाइस बता तो उनको ऊपर जाना है या काम पर चलते हैं। मैं काम करता हूँ, दूसरे करेक्टर पर स्विच होता हूँ और फील्ड बनाता हूँ। एक साथ मत घुसो धीरे करके भाई, एक साथ नहीं, एक साथ नहीं। यस बुया हूँ विक्ट्री, सॉरी हमें को 10 कॉइन्स मिल चुके हैं। MVP बना है ये मोटा गेंडा और अपन लोग को अरीना का एक भी, क्या अरीना का क्या मस्त बॉक्स मिला है ये देखो। अरीना छोटे तक मैच में घूमने वाला है, लॉक नाउ करते हैं इसकी। अपन लोग को मिला 22 कॉइन्स, एक कार्ड लॉन्ग शूट का और जेट रेयर मिला है, मतलब इसका एक और कार्ड मिल गया है। तो वापस हम लोग एक मैच खेलते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मेरे को जल्दी खेलना पड़ेगा। सो गाइस मैंने वापस से करेक्टर में स्विच कर लिया, हम बैक पैक से उड़ान भर के इधर चलते हैं, इधर से घूम लेते हैं। और ये करेक्टर गाइस बहुत तगड़ा करेक्टर है, जब मैं खेलता था पहले मेरे पास था और ये कुछ ज़्यादा ही तगड़ा करेक्टर है। मेरे ख्याल से हम लोग को ज़्यादा कम नहीं है, मतलब हम लोग को ज़्यादा कम है, हम लोग को इधर जा कर इसको फोड़ना चाहिए। ले जाओ मोटे गंडे आना, मोटे गंडे पे स्विच करके इसको लेके चल देंगे। फोड़ने लगा है इसको, काम करने लगा तो मेरे ख्याल से हम लोग इस बार हारने वाले हैं। नहीं उनका एक फूट गया, बस कुछ बाकी ये नहीं फूट गया। चलो ऊपर ऊपर चलो, ए शांति बैठ जा ठीक है। ओए स्टंट कर दिया, ये स्टंट कर दिया, स्टंट कर दिया, भागो भागो भागो, ये मार ना, मार नहीं, मार नहीं, मार 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 नहीं, तेरी शील से तेरे को ही मार ऊपर जाना चाहिए। क्या गंदा मार रही है, हम लोग का भी एक बेस टूट चुका है। सो गाइस एक और विक्ट्री, और आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और फ्रैग पो शूटर की अगर 20 व्यूज 20 प्लस व्यूज आए तो वापस से फ्रैग पो शूटर अपन मिलते हैं उसमें। सो गाइस बाय।